मेरा नाम श्रीनिवास है, ये मेरी बेबी है पद्मावती। हाँ बोलिए। मैं छोटा मोटा रियल एस्टेट का काम करता हूँ सर। मेरा बेटा इंजीनियर बनना चाहता था, वो पढ़ने में बहुत अच्छा था सर। पिछली 24 तारीख रात में वो लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने गया था सर। सुबह विक्टोरिया हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि पोस्टमार्टम है, जल्दी आओ। ये सुनते ही मैं डर गया था सर। बच्चे जब घर से बाहर जाते हैं तो हम बोलते हैं कि संभल के जाना बेटा। आप लोग के होते हुए इस तरह की घटना क्यों होती है सर, बताइए। ये सब फोटोज देखिए सर, पेपर में भी ये फोटो छपी है, लेकिन टीवी में जो फोटो आ रही है उसमें वो गुंडों के साथ है। आपके आदमी ने बताया था कि वो गुंडा था, लेकिन मेरा बेटा गुंडा नहीं था सर। जिसने गलती की उसे सजा मिलनी चाहिए, उन्हें छोड़िएगा नहीं सर। चलता हूँ सर। मेरी बेटी की शादी के सिर्फ 6 महीने हुए थे सर। बात क्या बताइए। मेरी बेटी सुसाइड करके मर गई। क्यों? कुछ दिनों पहले अपने कॉलेज फ्रेंड के बर्थडे में गई थी। वहाँ से आने के बाद वो बहुत गुमसुम रहती थी सर। एक वीडियो बनाकर उसे फेसबुक पर डालकर वो सुसाइड कर ली सर। मेरी बेटी डर के सुसाइड करने वालों में से नहीं थी सर। इस तेजस्वी केस का क्या हुआ? सर घर वालों ने कोई केस रजिस्टर नहीं किया था, फिर भी हम लोगों ने जब तेजस्वी का कॉल रिकॉर्ड चेक किया तो कॉकरोच नाम के आदमी पर शक हुआ। ये कौन सी जगह? ये रूबी रिसोर्ट है सर। तेजस्वनी और उसकी फ्रेंड्स बर्थडे वाले दिन यहीं गए थे। लास्ट में फेसबुक में सिर्फ बर्थडे की फोटोज ही हैं सर, और इसके 15 दिन बाद इस वीडियो को अपलोड करके वो मर गई सर। I can't explain you more about this thing. I'm really sorry guys. I was not willing to do all this. ये जामुन रवि कौन है? वो जो कॉकरोच है ना सर, उसका चेला है ये जामुन रवि। सर ये कॉकरोच 1,000-2,000 के लिए भी किसी की जान ले लेता है, और अभी हनी ट्रैपिंग में ये नंबर 1 है सर। ये डॉली का सगा भाई है सर। ये डॉली कौन है? डॉली उर्फ निम्बू, मेंटल, ऐसे कई नाम है उसके सर। अंकल के साथ ही ये रहता है। आजकल बाजार में इसका काफी नाम है सर। अंकल तो सिर्फ नाम के लिए डॉन है, रियल डॉन तो यही है सर। औरत, संपत्ति और मिट्टी, इनकी प्यास तो सुनी है। बुरे समय में बुरे लोग ही राज चलाते हैं, बुराई की मार्केटिंग करते हैं। अच्छाई की मार्केटिंग करना बहुत मुश्किल काम है। ये देख रहे हो, इसी की तरह आज हमारा समाज भी सड़ गया है। 94 से 2000 तक पूरे 8 इनकाउंटर्स किए थे मैंने। उस समय मेरी लिस्ट में से बेबी कृष्णा और वो दूसरा डॉन अंकल, ये दोनों ही बच गए। डॉन अंकल जिसका ओरिजिनल नाम है नारायण स्वामी, मास्टरमाइंड, प्लानिंग, सुपारी, गुंडागिरी को बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया उसने। बहुत दिमाग वाला है। बुद्धिमान आदमी जब क्रिमिनल बन जाता है तो बहुत खतरनाक हो जाता है। अब गुंडागर्दी ताकत से नहीं, दिमाग से चलती है, ये एग्जांपल है। भाई उसने अपने आप ही खुद ही डॉन क्लियर कर दिया। डॉली के आने से पहले उसकी जिंदगी कुछ अलग थी, और आने के बाद कुछ अलग हो गई। डॉली की माँ महाकाली मंदिर के पास नींबू बेचती थी। अपनी चूड़ी और झुमके कहीं गिरवी रखी हो क्या? कल रात को मेरा छोटा बेटा मेरे हाथों से मेरी चूड़ियाँ काट कर लेकर चला गया। जब वो निकाल रहा था तब गहरी नींद में थी। मैं जाग रही थी, पर अगर आँखें खोलकर उससे पूछती तो मुझे जान से मार देता। इसलिए चुप रही। इस माँ के 2 बेटे हैं, बड़ा वाला डॉली, छोटा वाला कॉकरोच। छोटे भाई को अपने बड़े भाई से बहुत प्यार था। उसे एक बाइक दिलवाई, ऐश करने के लिए पैसे दिए। डॉली को लड़कियों का बहुत शौक, लड़कियों को झूठी बातों में फंसाकर धोखा देता था। कौशल्या नाम की लड़की का वीडियो बनाकर उसे हर तरह से टॉर्चर करता था। उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। तुम्हारा बेटा डॉली कहाँ है? नहीं पता है साहब। सच बता, कहा ना, सही तो पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। मुझे कुछ नहीं पता साहब, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। माँ को जब पता चला कि उसकी वजह से ही वो लड़की बन गई है, तो उसने उसे बहुत पीटा और उसे श्राप दिया। डॉली दुखी होकर बार में बैठ कर पी रहा था, तभी वहाँ पर कारक पूरी क्या दो भाई, एक फुल बोतल खंबा लेके आओ। ठीक है भाई। सर दुख रहा है, रहने दे। साथ में 4 नींबू भी लेके आओ। भाई नींबू नहीं है। इधर देख, नींबू तो इधर ही है। क्यों रे, जेब में नींबू है तो देना। जेब में छुपा कर रखा है क्या? अबे तेरी माँ को नींबू की दुकान लगाने के लिए पैसे मैंने दिए थे। का
कुड़ी सतीश के शरीर में उसका सर नहीं था। उस सर को ले जाकर डॉली ने पुलिस स्टेशन में फेंक दिया। इस कत्ल के बाद डॉली का नाम कुख्यात अपराधियों की लिस्ट में शामिल हो गया। जेल में डॉली की मुलाकात चिट्टे से हुई। चिट्टे अलियास चित्रंजन, वो एक कवि है और उसकी कविता ने ही उसे क्रिमिनल बनने के लिए मजबूर किया। चिट्टे ने अपने फ्रेंड को एक लव लेटर लिखकर दिया। उसका फ्रेंड जिस लड़की से प्यार करता था वो कारकोड़ी सतीश की बहन थी। जब सतीश ने पूछताछ की कि एक कविता किसने लिखी है तो मैंने नहीं लिखा है सर, मुझे चिट्टे ने लिख के दिया था। सतीश चिट्टे ने उसके माँ बाप का बहुत अपमान किया है, ये जानकर चिट्टे ने सतीश के शरीर पर 16 जगहों पर चाकू से वार किया। सतीश के आदमी उसे हॉस्पिटल में ले गए। हॉस्पिटल में सतीश किसी तरह से बच गया। धारा 307 के तहत सतीश को जेल हो गई। मैंने हाफ किया, डॉली ने फुल किया है, इसलिए चिट्टे डॉली का फ्रेंड बन गया। डॉली ने चिट्टे के बारे में बात की तो पता चला डॉली लड़कियों को टी शर्ट की तरह बदलता है। चिट्टे की जिंदगी में सिर्फ एक ही लड़की थी और वो उससे जान से भी ज्यादा प्यार करता था। पहले ही डॉली को पकड़ना किसी के बस में नहीं था और अब तो चिट्टे उसके साथ था तो उनकी उड़ान ज्यादा हो गई। अंकल के दुश्मन सार की मधु को जब इन लोगों ने मारा तब अंकल ने इन लोगों की सहायता की। अंकल रोज रोज उन्हें गुंडागिरी के नए तरीके सिखाता। डॉली ने अब मार्केट चिट्टे के लिए छोड़ दिया। वो कब का मर चुका है, कब तक मारेगा? ये धुआं छोड़ दे नहीं तो ये कहीं और से निकलेगा। पान को गोल में डालने के लिए स्मूथली खेलना पड़ेगा। कॉकरोच, जहां जहां तू है वहां पर कचरा ही है। सर, लाइफ इज शॉर्ट कहते हैं लेकिन तेरी लाइफ लॉन्ग है। क्यों डॉली, मैं ऐसे ही आया तो अतिथि ढूंढते हुए आया तो तेरी तिथि। तिथि विथि छोड़िए सर, आइए बैठिए ना। सुबह मटन बिरयानी बोल और उससे कहना कि हमारे लिए आज फ्री है। रोटी कपड़ा और मकान सब फ्री है ना तुम लोगों को? कोई यूं ही पैसा क्यों देगा सर, पैसा मेहनत से आता है। खून बहाना पड़ता है। खून बहाना पड़ता है। मेरा फोन क्यों चाहिए था तुझे? एनकाउंटर आपने शुरू किया ना सर, हर चीज की कीमत होती है, आप अपनी कीमत बताइए। कितना देगा? अपना वजन करा लो सर, एक तरफ आप बैठ जाओ और दूसरी तरफ पैसे, और वो भी नए नए 2000 के पिंक नोट। ब्लैक एंड व्हाइट की दुनिया में पिंक नोट को तराजू में तोलेगा? डिपार्टमेंट वालों ने आपको एक लिस्ट दी है ना, मेरे पास भी एक लिस्ट है। हम मिलकर काम करते हैं,
मैंने किया तो खून, आपने किया तो एनकाउंटर। क्या सोच रहे हैं सर? तुझे किसी ने बताया कि मैं डिपार्टमेंट के लिए काम करता हूँ, मैं अपनी खुशी के लिए काम करता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि क्रिमिनल को कैसे पकड़ना चाहिए, इसकी ट्रेनिंग हुई है, और अगर मैं ही क्रिमिनल बन गया तो मैं तुझे ही पहले उड़ा दूंगा। तेरी डील मुझे पसंद नहीं आई। क्यों सर? क्योंकि तेरे धंधे में गंदगी बहुत है, सोच रहा हूँ मिट्टी में मिला दूँ। स्वच्छ भारत का मैं ही ब्रांड एम्बेसडर हूँ। क्लीन सिटी, जामुन रवि, कॉटन पेटा मंजा, काटा, जिया, ऑमलेट, तरकारी करी, एक एक विकेट आउट, तेरी भी फ्रेम सेट करता हूँ। हो सकता है कि कल ही तेरी मौत आ जाए, इसलिए एडवांस में यह हार पहन ले। जब ग्रह खराब होते हैं ना, तो कितना भी बचकर रहे फिर भी आदमी लपेटे में आ ही जाता है। होशियार। भाई वो निरंजन को पुलिस वाले लेकर गए। नाश्ता हो गया क्या? हाँ हो गया भाई। ठीक है सर। सर वो लड़का पद्मा राव की बेटी से प्यार करता था सर, ये बात भाई लोगों को पता चल गई। उस लड़की का बाप कौन है तुम जानते हो ना? जी सर। क्रिकेट खेलो, पढ़ाई में ध्यान दो, आराम की जिंदगी जियो, लेकिन दोबारा उस लड़की से बिल्कुल मत मिलना। सर वो लड़का दो दिन चुपचाप था सर, उसके बाद फिर वो उस लड़की के साथ घूमने लगा। उस लड़की के बाप ने भाई को फोन किया सर। उस पद्मा राव ने फोन किया था? वो लड़का चुप नहीं बैठ रहा है तो उसे चुप करो जल्दी। शिवरात्रि के दिन वो लोग उस लड़के को वॉर्न करने गए थे सर। सॉरी ब्रो, गलती से लग गया। भाई वो एसीपी शिवा है ना, वो कल आपसे मिलने के लिए आ रहा है भाई। ठीक है, डॉली और चीटे को भी बुलाओ। आप जमींदार के खानदान से हैं क्या? मैं बहुत मेहनत करके ऊपर पहुंचा हूं सर। मेहनत करके? जमीन वाला बेचता है और पैसे वाला खरीदता है, और बीच में तुम लोग रियल एस्टेट वाले। बराबर करने के लिए तराजू का कांटा चाहिए सर। गुड। भाई अभी बिजी हैं। है भाई अभी बिजी हैं। भाई दूसरी लाइन पे है, भाई से बाद में फोन करवाता हूँ, ऐसा बोल के धमकी देने का बिल्टअप बनाते हो ना। सब लोग अपने पैरों पर खड़े होते हैं और तुम लोग फोन कॉल पे लटके रहते हो। ये तुम लोगों को क्यों साथ में रखता है पता है? अपनी जान बचाने के लिए इनकी जान आगे करते हो ना। खिलाड़ी हो तुम धनुष और ये लोग तीर हैं। ये श्रद्धा, ये बोल बच्चन और ये गुस्सा मैं बहुत देख चुका हूँ। कुछ लोग यहाँ आकर खाना खाकर जाते हैं और कुछ पार्सल ले जाते हैं। हेलो, हमारा डिपार्टमेंट बिजनेस मार्केट की तरह है। मटर को छीलते टाइम उसमें से एक दो कीड़े निकलते हैं। डिपार्टमेंट में एक दो कीड़े निकल गए तो पूरे डिपार्टमेंट को ऐसे ही समझ रखा है क्या? ब्रह्मा ने तेरी तकदीर पेन से लिखी होगी, लेकिन मैं गन से लिखूंगा। देखिए सर, हम लोग भी मर्द हैं। दाढ़ी मूछ बढ़ाने से कोई मर्द नहीं हो जाता। अगर ऐसा होता तो सबसे बड़ा मर्द भालू ही होता। अगर मर्द होना है तो अंदर खून होना चाहिए, और वो भी एकदम शुद्ध। शंकर सर, गाड़ी में पानी लेकर आओ। ठीक है सर। धरती पे आने जाने का क्रम तो हमेशा चलता ही रहता है। जैसे बाकी लोग आते हैं वैसे चुपचाप आओ, खाओ, पियो और यहाँ से कट लो। इनविटेशन मिलने पर ही हम कहीं जाते हैं और प्रेजेंटेशन देकर ही लौटते हैं। आराम से खाना खाइए सर। आराम से? तुम सब लोग मिलकर बहुत ही आराम से हो ना। मैं उसी आराम को बर्बाद करने आया हूँ। पानी पिलाने के लिए बॉडी नहीं मिलेगी, पानी में मिलाने के लिए राख नहीं मिलेगी। मेरी जुबान पर तेल है क्या? देख दूसरी जगह पर है। क्या रे कॉकरोच? नमस्कार भाई। कैसा है? ठीक हूँ भाई। मेरा भाई कैसा है? वो भी ठीक है भाई। सब ठीक है ना? हाँ भाई। हे बेबी, हैप्पी बर्थडे। थैंक्स यार, कैसा है? बहुत बढ़िया। हे, तू आते समय उस टकले को भी लेके आ रहा है? उस टकले को बहुत गर्मी हो गई इसलिए बैठकर नारियल पानी पी रहा है। ओ, ऐसा क्या? बाद में मिलते हैं बेबी, बहुत सी बातें करनी है। ओके यार, बाय। लो भाई सिगरेट पियो। सब लोग आ गए ना भाई। साहब मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो साहब। हैप्पी बर्थडे बेबी बॉस। तू ऐसे बॉस को, ऐसे आदमी का जन्मदिन मनाते हो तुम लोग? कौन है बे बॉस? हाँ, बॉस कहलाने के लिए योगा और योग्यता रहना चाहिए, ऐसे ही कोई बॉस नहीं बनता।
वो बाइक पर गया, वो कॉकरोच था ना? हाँ सर। क्यों गया? विस्की लाने के लिए गया है सर। शैंपेन था ना यहाँ पे? भाई देसी माल पीना चाहता था सर। बेचारा, मरने से पहले कम से कम दो पेक तो पी लेता। सोने का ब्रेसलेट बना लिया हा? अब ये मेरे हाथ में है। ए वेंकटेश, फोटो निकाल। थैंक यू। इन लोगों को ये गन्स कहाँ से मिलती हैं? और ये काम करती होगी हाँ? ये तो काम कर रही है। सॉरी। हे, हैप्पी बर्थडे बोल। बहुत जल्दी। ये भाई आज भाई का बर्थडे है, केक काटेंगे, फुल एंजॉय। कॉकरोच, तू भी हैप्पी बर्थडे बोल। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। चल पार्टी करते हैं। आह, सिंगल मोड, शानदार ट्रीट होगी। ए, क्या नाम है तेरा? रीटा। हे, शर्ट निकाल बे। चल शर्ट निकाल, अब पैंट निकाल। सर, बोला ना पैंट निकाल। अरे इधर देख। ए, अरे ए कपूरी, थोड़ा मुस्कुराना। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? वो आपको कुछ नहीं करेगी। तेरी चलेगी, तू बहुत बड़ा तो ठीक है क्या? बोल। ए, चले इधर उठ। इस वीडियो में जो लड़की तेजस्वी, उसे तो जानता है। मुझे माफ कर दीजिए सर, माँ की कसम दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। छोड़ दीजिए सर, प्लीज सर, प्लीज सर, 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 सर। तेरे पाप का मटका भर चुका है। 2014 में उस सेठ की बेटी को किडनैप किया था, वही फर्स्ट केस है ना तेरा? तेरे एरिया में तुझे बांध कर मारा था, वही है ना तू? उस बच्ची को तो सिर्फ मैंने ऑटो में चॉकलेट खिलाया था सर। चॉकलेट खिलाया था? इस दुनिया में कोई भी प्राणी अपनी जाति के दूसरे प्राणी को मारकर अपनी जिंदगी नहीं गुजारता, लेकिन इंसान, उसके पास भले ही कोई हथियार ना हो तो अपने हाथों का इस्तेमाल करके, दिमाग का इस्तेमाल करके दूसरे को मार देता है। तूने और कॉकरोच ने मिलकर वो कांड किया था ना? वही कुएं में जो लाश मिली थी, वो लड़की थी ना? नाम क्या था उसका? स्पंदना। क्यूट नाम है ना? तेरी भी कोई बहन, भाई, माँ, बाप? भाई और माँ है सर। भाई की शादी हो गई है? हो गई सर, एक बच्चा भी है। लड़का या लड़की? लड़की है सर। कितने साल की? 11 साल की। वो बच्ची तुझे क्या बोलती है? चाचा बोलती है सर। हाँ, तेरे एक फ्रेंड की मोबाइल रिपेयर करने की दुकान है ना, उसका नाम क्या बता जरा? प्रशांत सर। वहाँ कॉकरोच आता रहता क्या? हाँ सर। अच्छा, तुम लोग लड़कियों को कैसे पटाते हो? वो कॉकरोच के रिसोर्ट में वीकेंड में लड़की आती रहती है सर, तभी वॉशरूम बेडरूम में वहाँ कैमरा लगा दिया जाता है सर, उसके बाद उनका नंबर ले लेता हूँ सर। तुम जहाँ कह रहे हो मैं वहाँ नहीं आ सकती। ए वेंकटेश सर, इस कागज से नाव कैसे बनाते हैं? पता नहीं सर। नहीं पता है सर? सर हाँ, मुझे पता है सर। ये लीजिए। अरे इतनी जल्दी बना दी, देखा वेंकटेश तूने? हाँ। स्पंदना को कैसे मारा? उस दिन कॉकरोच कोई नई लड़की लेके आया था सर, सब पी के सो रहे थे सर, उठ के देखा तो वो लड़की पूरी खून से लथपथ थी सर। सर क्या करें सर?
चले जा। ए शैलजा। जी सर। ऐसे ले जा। ए चल मेरे साथ। यहाँ पर तो कॉकरोच नहीं है, तुम लोग मुझे बेकार में लेकर आ गए। ए, कहाँ है मेरा भाई? वो अंदर है। डाली, डाली, साहब बुला रहे हैं, आ जा अंदर। नमस्ते सर। आदत अच्छी हो तो ठीक होता है, लेकिन अगर आदत बुरी हो तो बहुत कष्ट होता है। तुम गुंडे लोगों की तरह नहीं जीते हो, बल्कि ईमानदारी से जीते हो। इतनी तंगी होने के बाद भी तुमने ईमानदारी नहीं छोड़ी। थोड़ी बहुत पी भी लोगे तो चलेगा। तुम्हें यहाँ बुला कर बैठा कर गिलास में चाय पिला रहा हूँ। इज्जत मांगने से नहीं मिलती, बल्कि उसे कमाना पड़ता है। तुम जाओ, तुम्हारी बहन की शादी में मैं आऊंगा। जरूर सर। क्यों डॉली, क्रिमिनल लॉयर के साथ में इस टकले सुब्बू को भी लाया क्या? मेरे भाई कॉकरोच को आप यहाँ पर उठा कर लाए हो। किसने कहा? लापता हो गया हो तो रिपोर्ट लिखवा दे। देखो सर। हाँ बोलो शंकर जी, शाम को क्लब में मिलता हूँ। कोई चीज या इंसान खो जाए तो हम उसे ढूंढ सकते हैं, अगर इंसानियत खो जाए तो उसे भी हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन अगर मक्खी कॉकरोच खो जाए तो हम उन्हें नहीं ढूंढते। ए सुबी, इनको बोल जाकर किसी गटर में ढूंढे। अपनी औकात भूल गया वो, मेरे भाई को गटर में ढूंढने के लिए बोला। मैंने कुछ नहीं किया सर, वो क्रिमिनल था, मुझ पर हमला करने आया था। सेल्फ डिफेंस में मुझे 2 गोली चलानी पड़ी, वो भी पैर पे ही चलाई। देखो आपके ऊपर डिपार्टमेंट इंक्वायरी करने वाला है, सबसे पहले आप डॉली के भाई को छोड़ दो। शरीर पर चित्रकला, हाँ सांस्कृतिक कलाकृति, यूथ आइकन है क्या? जी नहीं सर। बहुत ही घटिया किस्म का कॉकरोच है, चल भाग। अंग्रेजों ने हमें आजाद किया, मैं तुझे आजाद करता हूँ, जा भाग, भाग ना। गलती हो गई सर, छोड़ दीजिए। चल आराम से बैठ। गन जब मेरे हाथ में होती तो मैं पागल हो जाता हूँ, इससे पहले कि मैं पागल हो जाऊँ भाग जाए। नहीं सर, फिर आप पीछे से शूट कर दोगे, मैं नहीं भागूंगा सर। नहीं भागेगा तो काम कैसे चलेगा? इसमें गोली है, यहाँ पर हिम्मत है, इन दोनों में दया ममता नहीं है, चल भाग। ए मूर्ति सर, भगाओ इसे, खड़ा हो जा, रस्सी को लो, चल भाग सर, भाग, आप बोलो चल भाग, भाग, भाग बोलो तो नाटक कर रहा है, चल भाग, ऐसे नहीं मारेगा सर, चलो चलो डंडा दे। इज्जत लूटने वाला तू अपनी इज्जत के लिए चट्टी पहनता है? ए शंकर जरा चट्टी उतार इसकी, चल निकल निकल, चल भाग। हे ये क्या कर रहा है? किसका वीडियो बनाना है और किसका नहीं बनाना, ये कॉमन सेंस नहीं क्या? दिमाग में भूसा भरा हुआ क्या? इतनी भी अकल नहीं है तुम्हें? सॉरी सर। डिलीट करो उसे। ऐसे ही छोड़ दिया है। ए, कॉकरोच, चल उठ। हम क्या है, मौत क्या है और डर क्या होता है, दिखाना पड़ेगा उस इंस्पेक्टर को। फुटपाथ पर पानी पूरी मसाला पूरी बेचने वालों से पैसा वसूलते हैं ये लोग। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट रेंज में बिल्डअप देता है, ऐसे सिंगम च्युइंगम से पूरा मार्केट भरा पड़ा है। ए डॉली, ये तो बहुत ज्यादा थका हुआ लग रहा है। हमारा पैर पकड़कर रोने वाला उल्टा हम पर एसिड डाल रहा है। सपेरे के हाथ में सिर्फ बीन रहे तो नहीं चलेगा, एक बार उसे सांप ने काटा जरूर होना चाहिए। उसे लगा मैं उसे चप्पल से मारने वाला हूँ, ये देखो चप्पल में कांटा है, कांटा निकालने के लिए चप्पल उठाई तो वो भाग गया। सर यहाँ किसी ने पेशाब कर दिया सर। हेलो। एक बार मुझे एक जगह पे एंट्री नहीं मिली तो मैंने वहाँ पे सुलभ शौचालय बना दिया। क्या करूँ, कभी कभी बियर पीने के बाद नशा चढ़ जाता है मुझे। ए चल तू एक काम कर, तेरे ऑफिस के अंदर अगर कोई भी आदमी मूत्र विसर्जन करे तो उस आदमी पर 500 रुपए का दंड लगेगा, ऐसा बोर्ड लगा दे। देख
तुझे कॉल आने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉल। हेलो कॉकरोच। क्यों बे, क्रिमिनल्स को भगा भगा कर पकड़ रहा है तू? क्या सुपर कॉप है क्या? किसी भी लड़की को नहीं छोड़ूंगा, तू राखी बांध ले या ताबीज बांध ले, सबको मारूंगा, सबको होलसेल में मारूंगा। तू और तेरा डिपार्टमेंट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मेरा दांत निकाला, मेरी बेइज्जती की, तू बस देखता जा मैं क्या क्या करता हूँ। अपने आप को तोप समझता है? कोई मर्द का बच्चा है यहां पर? कॉकरोच, सिर्फ फोन पर धमकी देने की नहीं, सामने आकर बात करने की हिम्मत भी होनी चाहिए। खुद को बहुत बड़ा तोपची समझता है, तूने फोन पर धमकी दी इसलिए नहीं आया हूं। दांत उखाड़ने के बाद फुसफुस की आवाज कर रहा था। ए, तो जैसे 2 करोड़ के आदमी को भी ऑफर देता हूं, शूट कर, यहां से मैं 1 इंच भी नहीं हटूंगा, शूट कर, चला गोली। दिवाली पे पटाखे चलाने वाली गन नहीं है ये, इसे चलाने से पहले ट्रेनिंग ली जाती है। छोड़ना मत इसे। मुझे अकेला आने को कहा यहाँ, और तू पूरी टीम को लेकर बैठा है। कॉकरोच फोन नहीं उठा रहा है। डॉली, तेरा सगा भाई मेरे पास बैठा हुआ है, वो तुझसे बात करना चाहता है। सुन सुन, कुछ करना मत उसे। डॉली मुझे इससे बचा। तो डर मत, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करेगा वो। अबे ये तो रो रहा है। तूने अगर मेरे भाई को कुछ किया ना तो तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। अरे तेरे भाई को कुछ नहीं होगा, उसके माथे पे बस एक टीका लगा रहा हूँ। तू पुलिस वाला है, तुझसे मैं इज्जत से बात कर रहा हूँ। मुझे मत मारो। हेलो, तेरा भाई तो गया ऊपर। क्या हुआ, बोलना क्या हुआ? लगता कॉकरोच को गोली मार दी उसने। चांस ही नहीं है, तुझे वो बेवकूफ बना रहा है। आया तो गोबर था, लेकिन बनाया तो उपला बन गया, और जलने के बाद उपला राख बन गया, तो फिर इंसान की बिसाती क्या है। इसलिए अगर सच्चाई बता दी तो छोड़ दूंगा, वरना एक एक करके सबको ऊपर का टिकट दे दूंगा। चल बोल कौन है। काकिनी है। काकिनी नहीं, काकिनी। सर पुराना बर्तन पुराना लोहा, जो लिखा है उसी ने सर। उससे और तुझे, तुम दोनों को शूट कर दूंगा। तुम सोए थे क्या? कितने बच्चे हैं? एक भी बच्चा नहीं है सर। यहां सोने से बेहतर होगा घर जाकर सो, आराम मिलेगा। पुलिस स्टेशन गांव में जलने वाले दिए जैसा है, मरना ये जानते हुए भी दिए के आसपास कीड़े घूमते रहते हैं। उनमें से कुछ मेल होते हैं और कुछ फीमेल। कोई भी कीड़ा खाने के बाद पानी जरूर पीता है। आप पानी क्यों पी रही हैं? सर थोड़ी खांसी है इसलिए पिया। तू और डॉली कचरा है, कोई भी केस में वो A1 है और तू A2। अच्छा है, बता कहाँ है वो? नहीं पता। मैंने सुना नहीं। नहीं पता है सर। बेस वॉइस है तेरी। ए, इसके बेस पे मार। ए, सब लोग बैठ जाओ। ओए, तू भी बैठ जा। बैठ जा। हीरो है क्या तू? हाँ, कविता लिखता है ना तू, उसी कविता ने तुझे क्रिमिनल बना दिया। कभी गैंगस्टर बन गया पहली बार सुन रहा हूं। अच्छा वो फोन करेगा तब तक तू क्या करेगा? तब तक एक कविता सुना देना गाने के रूप में। ये किसी की लिखी हुई कविता मेरे लिए आई है, इसी को बेस वॉइस में सुना दे गाना। सुना नहीं तूने? ये किसी की लिखी हुई, नहीं बेस वॉइस में, और जोर से गा, सबको सुनाई देना चाहिए। ये किसी की लिखी हुई कविता।
सही टाइम एकदम। हाँ ये ले, स्पीकर ऑन कर। हेलो चीटे, वो पुलिस वाला तुझे ढूंढ रहा है, तू होशियार रहना और तू ज्यादा टेंशन मत लेना। मैंने वकील हायर कर लिया है, वो अपना पूरा केस संभाल लेगा। उस पुलिस वाले की पावर सिर्फ स्टेशन के अंदर तक है, बाहर वो कुछ नहीं कर सकता। तू फिक्र मत कर। इधर आओ, कोई अच्छा सा गाना बजाओ, उठक बैठक करो। ए, सुनाई नहीं पड़ा क्या? अलग से बोलना पड़ेगा। पब्लिक के बीच में अपमान किया मेरा। चांस मिला तो मार देना चाहिए था उसे। हाँ, वो उसकी आखिरी सांस होनी चाहिए थी। ये तो शमशान में जाकर जहर पीने के जैसा है। हाँ, एक बात अच्छी तरह जान लो, उस शिवा से पंगा लेकर कोई भी गुंडा बच नहीं सकता है। वो क्या ऊपर से अवतार लेके आया है? उसके क्या चार चार हाथ है? क्या वो यूनिफॉर्म पहन के ही पैदा हुआ है? उसके अंदर घुसाऊंगा तो घुसेगा नहीं क्या? देख लिया। मारना होगा उसे। चीटे और डॉली, ये दोनों तो शिवा को मारने का प्लान बना रहे हैं। खाकी पर हाथ लगाना अच्छी बात नहीं होगी। आप एक बार फोन पर बात कर लीजिए तो अच्छा रहता। ए सुबी, भाई को इतना समझा रहा हूँ लेकिन वो मान ही नहीं रहे। वो क्रिकेट मैच वाला केस है ना, वो भाई के पास ही आ रहा है। वैसे इनका भी शिवा को मारने का कोई इरादा नहीं है। हे सुबी, अरे मुझे भी बैंकॉक लेके जाना साथ में। हे मुझे यहाँ छोड़ के मत जाना यार, मैंने कभी बैंकॉक नहीं देखा है। हे दिलीप, बोलो तो उसे मार दूं सर। मार दो, लेकिन कोई सबूत मत छोड़ना। सर, ये अपना पीसी शैलजा के घर में ही था। पुलिस स्टेशन में उस दिन जो तूने किया, उसी से मैंने जान लिया कि तूने किसे सेटअप किया होगा। बच्चा दो तरह से पैदा होता है, नॉर्मली और सिजेरियन। मौत में ऐसा नहीं है, वैरायटी ऑफ डिजाइंस। कुछ लोग होते हैं जो खुशी खुशी मरते हैं, ऑलमोस्ट कोई गम नहीं होता उन्हें मरते टाइम। कुछ नींद की गोली खा लेते हैं और कुछ जहर पी लेते हैं। डॉली, तू ट्रेन में बैठ कर गया तो जर्नी, और ट्रेन तेरे ऊपर से गया तो लास्ट जर्नी। हैप्पी जर्नी। सर 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 जैसा इस पिक्चर के क्लाइमेक्स में हुआ ना, वैसे अंकल को मारेंगे। एक भी आवाज नहीं निकाला, चुपचाप यहाँ से चला गया वो बुड्ढा। अगर वो यहाँ पे ऐसा कुछ करने वाला होता तो यहाँ पे पुलिस की रेड पड़ चुकी होती। वो अंकल बेवकूफ नहीं, खिलाड़ी आदमी है। मैं उसे वीडियो नहीं दूंगा। बहुत प्लानिंग करेगा वो, जरा होशियार रहना। बेबी, बिरयानी तो सच में लाजवाब बनाई है। माँ की याद आ गई मुझे। अगर अच्छी नहीं होती तो? जिसने बनाई है उसकी माँ की याद आती। देखो, उसे अपनी गर्लफ्रेंड याद आ गई।
ए चीटे इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर। इस बार मैं तुम्हें बहुत पैसे देने वाला हूँ। मुझे थोड़ा काम है, बाहर जा रहा हूँ। आप तो उसको बता दे चीटे। एक मिनट है। कहाँ हो तुम? घर पर ही हूँ। ए चीटे, डॉली आया है। उठ चीटे। क्या रे वो? कुछ नहीं। बताना क्या है? एक कविता है। कैसी लगी? ए तुम दीपा, ये हवा। अरे तेरी तो कविता लिखे तू? चिट्टे ए दीपा, चल। चिट्टे तूने इसको कोई बात नहीं बताई? या बता दे, बता इसे। आंखें खोल, देख, ये तेरे पास आई है। चिट्टे, अंकल को मार डालूंगा। नहीं, बचाओ चुपे, मार डालूंगा उसे। अंकल और डॉली, इन दोनों की गैंग वॉर की वजह से कई हत्याएं हो चुकी हैं। कौशल बेजे और चिट्टे को भी उसी गली में मार दिया गया, और पुलिस को शक है कि ये काम डॉली ने किया है। पुलिस छानबीन में लगी है। जरा ये वीडियो देखो। इसकी तो किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। सबको बुलाओ यहां पर, सबको लाइन में खड़ा कर दो। वाले लेकर गए क्या? शिवे, मैं शहर से पक गया हूं, मैं कहीं बाहर चला जाऊंगा। पहले तो सुसु करके आगे अच्छा किया, नहीं तो मुझे देखते तेरा पैंट गीला हो जाता।
देख के वो जिंदा है कि मर गया। अगर जिंदा तो मार दे उसे। ठीक है भाई। भाई वो मर गया। लाइटर दे मुझे। बॉडी को ठिकाने नहीं लगाया तो किस्मत हमसे रूठ जाएगी। डॉली से डॉन डॉली बनने के लिए इनमें से कितनी बॉटल पी सकते हो? जब तक वो बुढ़ा जिंदा है मैं डॉन कैसे बन पाऊंगा? इसका फोन जिसने नहीं उठाया उसको हमने उठा दिया है, उसे ये याद दिला देना। पेपर वाले, मीडिया वाले और मेरे सपोर्टर्स इस बार मुझे ही सीएम बनाना चाहते हैं। मैं सीएम कैसे बनूंगा ये अपोजिशन वाले सोच रहे हैं, यही टेंशन है। तुम भले ही मुख्यमंत्री बनो मुझे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो तुम्हारे लिए काम करते हैं उनको बिल्कुल मत भूलना। और एक बात और सुन लो, तुम्हारी व्हाइट शर्ट में लगे खून के दाग हो सकता है धुल गए हो, लेकिन तुम्हारे घायल होने के निशान कहीं नहीं जाने वाले। मैं आपको यहाँ आने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा होगा बाहर मिलकर बात करते हैं। आपका जिसने अपमान किया है वो मिनिस्टर 4 दिनों के अंदर हमारे पैरों पे गिड़गिड़ाएगा। वो आपसे खुद बोलेगा मुझे बचा लीजिए। तुमने जो काम कहा था वो हो गया, देखा दो। ऊपर वाले ने लड़की जैसी खूबसूरत चीज क्यों बनाई है? वाओ वंडरफुल। ए मैंने एक बोला उसने 3 क्यों भेज दिया? हाँ तो क्या, मंथ 3 है ना, इसलिए भेजा। इसने तो सच में बहुत परेशान कर दिया। कह रहा था कि एक के साथ शादी करूंगा। तुम ना मुझे कहाँ मजा देते हो? चल रहा है यहाँ पे। हाँ आई ना कुछ खबर मेरे यार की। छोड़ो 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 ना। आगे क्या करना है? वो मंत्री और उस मंत्री के बेटे को फोन करना है, उसे वीडियो भेजना है। वो मंत्री जब परेशान होगा तब जाकर वो उस बूढ़े अंडरवर्ल्ड डॉन अंकल को फोन करेगा। इस तरह ट्रैप कौन करता है ये पता है ना, और उन लोगों को वीडियो के लिए क्या देना है ये भी पता है ना। मुझे उसकी चिंता नहीं है, इसने जो काम किया है उसकी वजह से अगर वो वीडियो मीडिया वालों के हाथ लग गया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। गुरु जी मीटिंग में बैठ के सजेशन ले रहा है क्या? वो सब वर्कआउट नहीं होने वाला है। कैश कब दोगे ये बताओ? मुझे कल दोपहर तक का समय दो प्लीज। मैं हूं ना, तुम टेंशन मत लो। बिना इंटरव्यू के किसी को काम पे रखना हमारे नियमों के खिलाफ है। क्या करते हो तुम लोग? सर हम डिप्लोमा कर रहे हैं सर। कंप्लीट हो गया है क्या? नहीं सर, आधे में ही छोड़ दिया सर। तुझे भाईगिरी करना हलवा लगता है क्या? इस धंधे में आने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? आपसे ही सर। इसे सिर्फ इंस्पिरेशन के लिए ही लेना, पूरा लिया ना तो बिगड़ जाएगा। ए, हम लोगों के बारे में तुम लोगों को कुछ पता है क्या? हमारी हार्डवेयर कंपनी है। यहाँ कोई गुरु नहीं होता, तुझे खुद देख के काम सीखना होगा। जी सर। हमारा सिर्फ एक गुरु है, बुढ़ा गुरु, और उस बुढ़े गुरु की दाढ़ी बड़ी हुई है, हाथ में तलवार है और 100 साल का हो गया है वो। अगर ऐसा रहा तो कोई पीछे से मार के भाग जाएगा।
जाने के लिए जिगरा होना जरूरी है, समझा क्या? वीडियो कहाँ है? मिनिस्टर ने मेरी इंसल्ट की थी, इसलिए तुम लोगों ने उसके बेटे का वीडियो बनाया है। तो इसमें पैसा कहाँ से आ गया? पैसा उसके पास है, वो दे देगा। तो फिर मैं बीच में क्या करूँ? मैं मिनिस्टर से प्रॉमिस कर चुका हूँ, मैं नहीं दे सकता। देख सुबे, हमने जिन बच्चों को पाला और बड़ा किया, तुमने नहीं पाला है। यहाँ पर कोई किसी को कभी नहीं पालता। हमने ही किया, हमने ही मारा, आग भी हमने ही लगाई, और इन सब से फायदा सिर्फ तुम्हारा हुआ है। अब नाम तुम्हारा, काम हमारा। देखो, मैं मिनिस्टर से प्रॉमिस कर चुका हूँ, मैं नहीं दूंगा। भाई, इन लोगों ने तो अपने को ही टांग दे दिया, आप वहां से चुपचाप चले क्यों आए भाई? राजनीति, पुलिस, गुंडे लोग, अब किसे भेजूं? अपने पुराने लड़कों को बुलाओ, शिवा भी नजदीक है। मैं ऐसे ही आया तो अतिथि, ढूंढते आया तो तेरी तिथि। जैक, संतोष, ये सब के सब लाइन से चले गए। सुनो, मैं अंकल से बात करूंगा। मैं अंकल को मार के ही आऊंगा। हेड्स आया तो वो मरेगा और टेल्स आया तो मैं मरूंगा, पर उसे मार कर रहूंगा। देखो सुब्बी, चिट्टे को किसने मरवाया ना तो मैं जानता हूँ ना तो तुम जानते हो। एक मीटिंग अरेंज करो, मैं भाई को लेकर आता हूँ। मैंने अंकल को नहीं मारा है, तो फिर किसने मारा है अंकल को? सुबह देखा, सुबह शिमोगा से बुलाया है मैंने। कुछ
खबर मेरे यार की। माँ जी आपके पास तेल है क्या? ये लो, सिर में डालकर थोड़ा मालिश कर लो, सिर दुखना कम हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, सर में लगाने के लिए नहीं मांग रही हूँ। हेलो मिस्टर, तुम कौन हो, क्या हो, आज मुझे क्लियर कट बता दो, समझे? गिव मी माय फोन। मराठी येत का, पंजाबी ओंदी है, तुल्लू मर पुंडा। अरे आखिर कौन सी भाषा समझते हो तुम? आई एम गोइंग टू किल यू, आई एम टेलिंग यू। जैसे ही मेरे हाथ में फोन लगेगा ना, पुलिस को फोन करके बुलाऊंगी, अपने फ्रेंड्स को बुलाऊंगी, तुम्हें पिटवाऊंगी। हाँ, यही सोचकर फोन नहीं दे रहे हो ना? ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। शेह मैन, बैटरी इज डेड। ओह कूल मैन, पावर बैंक, डूड यू आर ऑसम। मैं जो भी मांगूंगी वो मुझे दे दोगे क्या? मुझे पटाने का इरादा है क्या? मुझे उठा कर लाए, फिर बुरे बनोगे, फिर अच्छे बनोगे? हाँ, What are your intentions, man? हाँ, baby, Shonu. मेरा नाम शिवा है। मेरा नाम वसुंधरा है, और प्यार से मुझे वसु बुलाते हैं। Boom, Shankar. शिवा, ये जगह मुझे बहुत पसंद आई। हम यहीं रहेंगे, हाँ? Meanwhile, I need some fag and drink. You made it. Yes, love you. Have fun. पीते नहीं, खाते नहीं, बोलते नहीं, कुछ ज्यादा ही अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो बेबी। टाइम वेस्ट मत करो, सी बी नॉर्मल लाइक मी। मजा आ गया। What a great way to start my morning. Love you, baby. मेरे बेबी को सब पता है मुझे कब क्या चाहिए. Thank you. बॉटल को इतनी दूर से मारना इतना भी इजी नहीं है. बैठ कर फुल बॉटल मार देते हैं. खड़े होकर खाली बॉटल नहीं मार सकते. Come on, John. Come on, John. That was great. सामान्य रूप से मैं कभी नहीं हारता, और अगर हार भी गया तो उस मैच में भी मैं मैन ऑफ द मैच रहा। तुम्हें कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए। तुम्हारी तो एक दू क्या, अभी जब देखो तब सन्यासियों की तरह शांत बैठे रहते हो। इसलिए तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड भाग गई होगी। मुझसे प्यार करो, फिर मैं बताऊंगी कि प्यार की दुनिया कैसी होती है। ओके ना बेबी? What the hell did I do last night?
उसे फिर से बना सकते हैं। अगर तुम्हारी जिंदगी जल गई तो वो वापस मिलेगी क्या बेटी? अभी तुम्हारी उम्र कम है, ये शराब सिगरेट पीना छोड़ दो। घर बनाने के लिए उन लोगों को पैसा दिया है मैंने। पहले सीट बेल्ट बांधो। वो सब छोड़ो ना, मुझे एक डाउट है। मैंने तुम्हें मणिपाल में तो नहीं देखा, तो तुमने मुझसे वन साइडेड लव करके उठाकर ले जाने का प्लान भी बना लिया? एक बात बता दो तुम्हें, आई एम वेरी एक्सपेंसिव यू नो। मैं एक तरह की फ्री बर्ड जैसी हूँ, आसमान में उड़ने वाले पक्षी की तरह। आसमान में उड़ने से पहले अपने पंखों को परखना बहुत जरूरी है, पानी में उतरने से पहले गहराई देखना बहुत जरूरी है। प्यार करने से पहले लड़की के दिल में क्या है ये जानना भी जरूरी है ना। हर चीज के लिए इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है, थोड़ा सब्र रखना भी जरूरी जैसे है। आज्ञा गुरुदेव। तथास्तु। फैमिली रूम है यार। एक प्लेट दाल और एक रोटी। और इन्हें क्या चाहिए ये तुम खुद ही पूछ लो। यार अभी तो तुम्हें कोई रोक टोक करने वाला ही नहीं है, तो क्यों ना तुम फटाफट मुझसे शादी कर लो। Thank you.
किसी से प्यार हो गया है। उसका नाम है शिवा। अंकल दीदी है, से हाय टू हर। हाय। से हाय नो प्लीज, मेरी दीदी है। हाय। दीदी के लिए तो कम से कम एक बार स्माइल कर दो यार। दीदी बहुत खुश हो जाएगी तुम्हारी एक स्माइल से। शी बी ग्लैड। बारिश मुझे बहुत पसंद है, तुम हो इसलिए रुका हुआ हूँ। नहीं तो बारिश में बैठकर दो पेग देसी मुर्गे के साथ एक सुपर कॉम्बिनेशन बन जाता है। मेरे लिए मुर्गा ठीक है सर, लेकिन मैं ड्रिंक नहीं करूँगा। आप चाहे तो ले सकते हैं, मैं जाकर ले आऊँ। नो 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 नो, रहने दो। अंकल पंचमी दीदी का फोन लग गया है। फोन कट मत करना, दो मुझे। ये तुम्हारे पास कैसे आया? अंकल आपने तो मुझसे कहा था कि एक महीने से आपकी दीदी से बात नहीं हुई है। पंचमी दीदी का फोन इनके पास कैसे आया? I want to know the truth, अंकल। बेटी बसो। Vasu, go टक्कर यशवंत को जानता है क्या? 120 किलो का है, उसका सर ही 20 किलो का होगा। उसकी माँ ने रविवार को उसके लिए मटन नहीं बनाया तो ऐसा मारा कि वो बेचारी कोमा में चली गई। तेरा साहब उससे ज्यादा ताकतवर है क्या? गुंडागर्दी छोड़ दिया आजकल, उससे टक्कर लेनी है। बुलाओ क्या उसको? मैं बुलाओ। सुनिए गंगाधर जी। सर नाम क्या बोला था? टक्कर यशवंत, लेकर आओ उसे। सर मैं मजाक कर रहा था सर। मजाक करने के लिए मुझे गवर्नमेंट पैसे नहीं देती। तुम कैसे टक्कर देते हो? पैर को ऐसे दबाकर सर से ऐसे मारते हो। सुपर सुपर सुपर, आया ना गुस्सा? मार 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 मार। एक्सक्यूज मी, पासपोर्ट वेरिफिकेशन। आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है? सर मैं एक डॉक्टर हूँ, डेंटिस्ट। डॉक्टर लोग क्राइम नहीं करते हैं क्या? सर hey, ये क्या होलिया बना रखा तूने? जरा आईने में अपनी शक्ल जाकर देख। ये बाल बाल ढंग से कटवा के इंसानों जैसा होलिया बना। अगली बार अगर ऐसा दिखा एनकाउंटर कर दूंगा। अच्छा सर। सुनो गंगाधर सर, बिरयानी मंगवा उसके लिए। Hey, रमेश इसके लिए एक बिरयानी लेकर आ। नहीं सर मुझे नहीं चाहिए, कोई दर्द की गोली हो तो आप मुझे दे दीजिए सर। ऐसा क्या हो गया तुझे?
मेरा दांत टूट गया है सर। डॉक्टर यहीं बैठी है, दिखा देना। मेरे पास एक लिस्ट आएगी, उसके आती है मैं इंक्वायरी के लिए आ जाऊंगा घर पे। ओके सर। मेरे परिचय में एक लड़का है, शिवा नाम है, एसीपी है वो। तुम हाँ कहो तो उसके साथ शादी फिक्स कर दूंगा। मेरी शादी? और वो भी इतनी जल्दी? देखो, शिबू के परमिशन के बिना उसके फोटो और नंबर तुम्हें भेजे हैं। तुम्हारे फोटो और नंबर भेजने के लिए तुम्हारी परमिशन चाहिए मुझे। सीरियसली, आप इसके लिए मेरी परमिशन मांग रहे हैं? ओह गॉड। सर, मुझे कुछ नहीं पता। शिवरात्रि के दिन क्या हुआ था ये तो मैंने पूछा ही नहीं अभी। सुनिए, इसे ऑन कैसे करते हैं? पर मैं तो ये अपने ट्रीटमेंट के लिए यूज करती हूं। आप लोगों का ट्रीटमेंट अलग होता है, हमारा टॉर्चर अलग होता है। उफ, ऑन हो गया। बोल बोल बे, बोल 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 बोल, बैठा जाऊं बैठा जाऊं सर। ए, ले चलो इसे यहां से। चलो ऐसा एक पेपेंट हमें भी दिलवा दो, हमारे ट्रीटमेंट के काम आएगा। मैंने तुम्हारे पास एक फोटो भेजा है, देख लेना। वो किस लिए सर? तुम्हें पसंद आ गई तो तुम्हारी शादी उससे करवा देंगे। पर मेरी शादी क्यों सर? शिवो, जिंदगी में ये सब चीजें जरूरी है। देखो शिवो, जब तुम फ्री हो जाना तो घर पे आ जाना, खाना खाते हुए डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है सर। पैसा मांग रही है तू? दोबारा पैसा मांगी ना तो तेरे साथ तोड़ दूंगा। क्यों बे, पीने बैठा तो सोने तक पीता रहेगा क्या? बीवी बच्चों ने खाना मांगा तो बाजार में लाकर पीटेगा? हाथ होता है खाने के लिए और कमाने के लिए, इस तरह बीवी पर उठाने के लिए नहीं। तेरी खुद की जिंदगी का ठिकाना नहीं, पर इन छोटे छोटे बच्चों को इस दुनिया में क्यों लाया तू? एक बात बता, तू कभी घर पे एप्पल लेकर गया? तुझे पता है 1 किलो एप्पल कितने का होता है? बाहर में बैठा तो 200-300 रुपए ऐसे उड़ा देता है। बेहतरी इसी में कि सुधर जा। मुझे दो, पकड़ इसे। रोना बंद करवा, फोन दीजिए आपका। अगली बार अगर ये कुछ करता है तो इस नंबर पे मिस कॉल देना मुझे, आकर धुलाई करूंगा इसकी। चलो जाओ। आप एसीपी रामचंद्र को जानती हैं? एक्चुअली उन्होंने मुझे आपका एक फोटो भेजा है। आई थिंक मेरे बारे में उन्होंने आपको कुछ बताया होगा। मैं भी सोच रहा था कि आपसे सर सब्जी भी डाल दिया है इसमें। साथ में अचार भी रख दिया सर। सांभर डाला है, नमक ठीक है कि नहीं जरा देख लीजिए। घी भी डाल दो क्या सर? थोड़ा डाल देता हूँ। शिव पार्वती के बीच में गणेश जी आया तो सिर खोना पड़ा उन्हें। पंचमी शिवा के बीच हेड कांस्टेबल गंगाधर आएगा तो क्या खोएगा मुझे नहीं पता। सर मैंने ऐसा क्या किया सर? अरे ऐसा क्या किया, परमानेंट खाना बनाने वाले को सेट कर रहा हूँ और तुम सांभर में नमक के लिए बोल रहे हो? शादी करने जा रहे हैं क्या सर? कर लीजिए, अच्छा रहेगा सर। जाइए, बाद में भी अच्छा रहेगा सर। जाइए जाइए सर। हेलो। हाय, पंचमी बोल रही हो क्या? हाँ बोलिए। हाँ मैं शिवा बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए ना। खाना खाया? हाँ। सॉरी जी, वो उस दिन मैं ठीक से बात नहीं कर पाया, एक केस के सिलसिले में जाना पड़ा, अर्जेंसी थी। इट्स ओके। कल अगर आप फ्री हैं, मेरा मतलब अगर आप फ्री हैं कल तो और मतलब नेक्स्ट जाने दी, जब मिलेंगे तब बात करेंगे। ओके अब टाइम की बड़ी पंक्चुअल है। कुछ नहीं, ड्यूटी का असर है। पहले भगवान को प्रणाम कीजिए। नमस्कार सर। ठीक है जाओ। सर मेरी कोई गलती नहीं है सर। अबे छछुंदर, चल निकल यहाँ से। निकल, चल निकल, चल। चलिए। ओ भगवान जी तो फुली बिजी हैं, सबकी प्रॉब्लम सुन सुन के थक गए होंगे।
ये लो, हमारे भगवान हमें मिल गए। मैं यहीं पर ठीक हूँ, आप जाकर आइए। ओ तो क्या पूजा चल रही है? मुझे भी आरती दो ना। आप प्रसाद ले सकता हूँ? थैंक यू। ये लो सब लोग को दे दो। आप भगवान में विश्वास करते हैं? हाँ, बच्चों को देखता हूँ, प्रकृति को देखता हूँ तो लगता है भगवान है। ऐसे ही 40-50 बच्चे, पाप करने वाले, दूसरों को सताने वाले लोग, अचानक से मरना, बस का एक्सीडेंट होना, ये सब कौन करता है? भगवान? नहीं, मुझे तो डाउट है। डाउट करना तो आपका काम है। चलिए चलकर। कहाँ? चलिए बताता हूँ। बाय। बोलो बेटी। इस शिवा की ऑलरेडी शादी हुई है क्या? लेकिन तुम्हें ये डाउट क्यों आया? डाउट तो आएगा ही ना, यहाँ बच्चों के लिए टॉयज खरीद रहा है ये। शादी करने की हिम्मत तो नहीं है उसमें, वहाँ तुम्हारे आसपास जरूर वो कोई ड्यूटी ही कर रहा होगा। एक काम करो, तुम भी अपने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दो। ओके। वाओ, लवली कलर। अच्छा लगा। प्लीज ये सब रख लीजिए, ये मेरी पहली गिफ्ट है। चलो। अच्छी जोड़ी है। मन लगे ना। अभी हम जिस फंक्शन में गए थे वो आपके फैमिली फ्रेंड्स है क्या? नहीं जी, वो शंकर था, लड़कियों को किडनैप किया करता था और टॉर्चर करता। एनकाउंटर कर दिया मैंने, उसकी बॉडी लेने के लिए उसकी माँ के साथ एक लड़की आई थी और वो लड़की प्रेग्नेंट थी। उस लड़की को शादी के लिए शंकर ने प्रॉमिस किया था, 2 महीने के बाद बच्चा हुआ। अभी जिसकी बर्थडे पार्टी में गए थे ना, ये वही बच्चा है। आप पुलिस वाले हर किसी पर शक क्यों करते हैं? देखिए, हमारे काम में जिसने मारा है और जिसने मार खाई है, अगर दोनों पर ही डाउट किया तो केस क्लियरली क्लेरिफाई होता है। पता है क्या हुआ था? हमारे पुलिस स्टेशन में केस आया था, एक औरत आई थी। सर, मेरा पति 3 दिन से घर नहीं आया है सर, मैं उसके बिना नहीं जी सकती, कुछ कीजिए ना सर प्लीज। अपने पति को फोन किया था? बहुत बार किया सर, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अच्छा, मोबाइल दिखाई। उस मोबाइल से किस किस नंबरों पर फोन किया था ये मैंने चेक किया। एक ही नंबर को 2 बार डायल किया गया था, मैंने उसी नंबर को डायल किया, कट हो गया। क्या काम करते हैं आपके पति? कारपेंटर है सर। उसी समय उसी नंबर से मुझे कॉल आया, मैंने कॉल रिसीव किया। उसने कहा, बोलो जानू। तेरी जानू तो यहाँ पुलिस स्टेशन में है, मेरे सामने बैठी है, बहुत होशियार बनता है। हे, बता, तेरे पति को तूने और तेरे प्रेमी ने कहाँ छुपा कर रखा है? बोल। सुनो सर, इसे लेकर जाओ और इस कमीने का नंबर ट्रेस करो जरा। शैलजा, शैलजा। यस सर। लेके जाओ इसे। ए, चल मेरे साथ। जस्ट 1 फोन कॉल और सारा सच बाहर आ गया। पानी में चाय की पत्ती डालें तो पानी का कलर बदल जाता है, उसका चेहरा भी वैसे बदल गया और वो पकड़ी गई। डाउट करना पड़ता है। थोड़ा घी डालो। अरे वो चटनी है। हाँ पता है, चटनी है, चटनी चावल बहुत अच्छा कर रही हूँ ना। ओहो, ये लीजिए खाओ। हाथ से कभी खाना खाया? मेरी दादी मुझे बुलाती, चावल का लड्डू बनाकर मेरे हाथ में दे देती। ए, सुन शिवा, इधर आ जरा। कभी कभी वो दूर जो मंदिर था उसे मुझे दिखाती। वो देख रहा है, वहाँ के लोग भगवान को बहुत मानते हैं, वहाँ जाकर उनसे कुछ सीख ले। दादी के गले में जो सोने की चेन थी उसकी वजह से उसे मार डाला गया। बुरे लोग पुलिस को देखकर भाग जाते थे। दादी को जिन लोगों ने मारा, पुलिस ने उनको अरेस्ट किया। उसी दिन मैंने पुलिस बनने का डिसाइड किया। उसी मंदिर में मैंने पढ़ाई की और पुलिस वाला बन गया। अभी भी मैं स्वामी जी का आशीर्वाद लेने जाता हूँ और वहाँ पर सबसे मिलकर आता हूँ। वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। 1000 झूठ बोल के आदमी शादी करता है। दिन में अरुंधति तारा दिखाकर पूछा जाता है, दिख रहा है ना, और हम हाँ कहते हैं। ऐसा है, शादी में ये झूठ मूठ बातें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, सच में? अच्छा एक बात बताओ, शादी से पहले हल्दी लगाते हैं, बताओ क्यों? पता नहीं। शादी के बाद जो मार पड़ती है ना, उसका पहले से ट्रीटमेंट लेने के लिए। आप हंस रही हैं, हल्दी एंटीसेप्टिक है ना।
मेरी एक फ्रेंड कह रही थी कि पुलिस वाले संसार को भी ड्यूटी की तरह ही करते हैं। अरे चलो, किसी ने तो सही कहा। ड्यूटी करते हैं तो पगार मिलती है, और पगार मिलती है तो संसार चलता है। आपका नाम तो शिवा है, पर उनका कैरेक्टर क्या है पता है? क्या है? बीवी होने के बाद भी गंगा को सिर पर बैठाए रखते हैं। अरे वो शिव जी अलग हैं, वो भगवान शिव है और मैं मामूली इंसान हूँ। गंगाधर जी। सर ये चाय का पैसा है, बाकी आप रख लीजिए। ठीक है सर, जाइए। हम हमेशा ईमानदारी से रहते हैं, फ्री में कुछ भी नहीं लेते हैं, लेकिन कभी कभी दे देते हैं, पर मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ। आपकी ईमानदार चाय में चीनी नहीं होती? सच कड़वा होता है और ईमानदारी फीकी होती है। तो मीठा क्या होता है? दिल ही मीठा है जी। आप सिर्फ शिवा नहीं, एक अच्छे कवि भी हैं। सर यहाँ किसी ने पेशाब कर दिया है सर। हेलो, मेरी बात कान खोल कर सुन ले। अभी तुझे कॉल आने वाला है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कॉल। हेलो, मैं जब अंदर आई तो मेन डोर खुला था, और अंदर आकर देखा तो ये सिगरेट, बियर बॉटल्स, किसने मेरे रूम को इतना गंदा कर दिया? एंड लुक एट दिस, हूज डॉली? कोई चोर होगा? नो, घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। हॉस्पिटल में किसी से कहा सुनी हुई थी क्या? हेलो, मैं हूँ, पहचाना? तेरा दोस्त कॉकरोच। हाँ बोल। क्या रे, क्रिमिनल्स को भगा भगा के मारता है ना तेरी तो। आप डरिए बिल्कुल मत, सर्वेंट को बुला लीजिए, रूम साफ कर देगा। हेलो, मुझे दूसरे नंबर से कॉल आया है, लोकेशन ट्रेस करके दो। कॉल आया था गुरु, उसके घर गया था मैं, विदाउट परमिशन उसका बेडरूम भी यूज किया मैंने। अरे नहीं, किसी और को अपने साथ ले गया था मैं। तेरी वाली तो कितनी हसीन है गुरु, बहुत लकी है तू। क्या लड़की पाई है तूने, ऐसी लड़की तो कभी देखी ही नहीं। नेक्स्ट टाइम मैं बेडरूम के अंदर गया ना तो सिंगल नहीं जाऊंगा। इंस्पेक्टर ने मेरा फोन कट किया है, उसे दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ, उसका घमंड तो मैं तोड़ के ही रहूंगा। एक बात बता, क्रूर का मतलब पता है तुझे? पता तो नहीं है, बोल लिख लेता हूँ। क्रूर का मतलब अब से याद रखना, वो है डॉली। अगर मेरे भाई को कुछ किया ना तूने तो। अरे तेरे भाई को कुछ भी नहीं होगा, बस माथे में एक छोटा सा टीका लगा दूं। तेरा भाई मर गया। क्या हुआ रे? लोग कह रहे हैं कि उसने हमारे सामने हमारे भाई को मारा। उस पुलिस वाले की इंक्वायरी करवाऊंगा, उसने ढाबे के पास छोड़ा था ना, वो बचेगा नहीं चिटे, मार दूंगा मैं उसे। डिपार्टमेंट से बोलकर मेरी इंक्वायरी करवाएगा, शिव के सामने सांप छोड़ेगा। तेरे भाई को मैंने ही मारा था और लाश को कचरे में फेंक दिया था, बीएमसी वाले उसे अनाथ लाश समझ कर अस्पताल ले गए। ताकते तो जा वहां पर। सॉरी दोस्त, भाई की लाश देखने के लिए तू जिंदा नहीं रहेगा। सर, हेलो, खोल दो इसे। तेरे भाई की मौत के साथ ही सब एंड कर देता हूँ। तू, चीटे, तेरे लोग साइलेंट रहेंगे तो ठीक है, वरना मुझे वायलेंट होना पड़ेगा।
हेलो, क्या हुआ आपके फोन को? नॉट रीचेबल, स्विच ऑफ? सॉरी, स्विच ऑफ हो गया होगा, मैं चार्ज करना भूल गई थी। आओ। आपकी आवाज ऐसी क्यों लग रही है? सब ठीक तो है ना? मेरा और मेरी बहन का झगड़ा हो गया। लेकिन क्यों? एक्चुअली कल उसका बर्थडे था, मैं उसे विश करने के लिए फोन कर रही थी। हेलो, हाय सुमा। हेलो पंचमी दीदी, सुनाई नहीं दे रहा। हेलो 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 पंचमी दीदी, अरे बसु फोन क्यों छीन रही है यार? हाय, हे, मेरी इंक्वायरी करने के लिए फोन किया है क्या? ए वासु, तुम्हें सरप्राइज देने के लिए ही मैंने सुमा के फोन पर कॉल किया था। सरप्राइज देने के लिए? तुम्हें मुझ पर डाउट है ना? चलो सच बोलो। स्टॉप इट। हैप्पी बर्थडे टू मी। वासु, मुझे किसी की विशेस नहीं चाहिए, ओके? सरप्राइज कॉल। मुझे सरप्राइज कॉल किया। रोइए मत, अपने आप को संभालिए। मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं मर जाऊंगी। ओफो, ये मरने की बात क्यों कर रही हो? तो फिर किसके लिए जीऊं? बाबा बचपन में चले गए, मेरी सिर्फ छोटी बहन ही है, वो भी ड्रग्स लेकर बर्बाद होती जा रही है, मैं सुसाइड कर लूंगी। hey! अगर फिर दोबारा ऐसी बात की तो दो थप्पड़ लगाऊंगा। यार प्रॉब्लम किसे नहीं है, सबको प्रॉब्लम होती है, हिम्मत से मुकाबला करना चाहिए। I'm sorry. अब शांत हो जाओ, कुछ खाया कि नहीं? अगर आपको कुछ हो गया तो मुझे चलो जाने दो। प्लीज डोंट डू दैट। देखिए पुलिस स्टेशन में मुझे थोड़ा काम है, उसे पूरा करके रात को आ जाऊंगा, डिनर पर चलेंगे। आपकी बहन वाली कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व कर लेंगे उसे। मैं आपके साथ उसके पास चलता हूँ, कन्विंस करेंगे उसे और साथ ले आएंगे, मैं उसे समझाऊंगा। तुम इस वक्त तो कभी फोन नहीं करती हो, क्या बात है बताओ? बोलने में शर्म आ रही है, फिर भी बताती हूँ, आपको पूरी बात सुननी होगी, बीच बीच में आ ओ मत कहिएगा, मैं रिपीट नहीं करूंगी। ओके, बताओ। मैं आपका कलीग है ना, एसीपी शिवा, उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। गुड न्यूज, मुझे आज दो पैग ज्यादा पीने की वजह मिल गई। जिंदा तो मार दे उसे। ठीक है। भाई वो मर गया भाई। पुलिस वाले को गोली लगी है, ये बात बाहर पता चलेगी तो डिपार्टमेंट की बहुत बदनामी होगी। पंचमी कहाँ है सर? उसे जला दिया। ये देखो, पूजा करते समय मेरा हाथ जल गया। भगवान को भी थोड़ा आराम दो। इतना थोड़ा सा जला है और मुझे इतनी तकलीफ हो रही है। बाप रे, अगर पेट्रोल केरोसिन डालकर जला दे तो कितनी तकलीफ होगी, सोचकर ही मेरा शरीर सिहर उठता है, मैं आग से बहुत डरती हूँ। पंचमी को
आग से बहुत डर लगता था सर। हेलो शिवा, तुम अपने प्यार के बारे में बताओगे ये सोचकर मैंने कितना इंतजार किया, बट नो चांस। लेकिन आपने अपने दिल की बात कुछ अलग तरीके से कह दी। ए, अगली बार अगर तुमने मरने की बात कही ना तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मुझे कुछ नहीं होना चाहिए ना, जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर बहुत गुस्सा है लेकिन दिल बच्चे जैसा। अच्छा, तुम्हारे लिए मैं अपना एक फेवरेट गाना गाती हूँ। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान। ओके, वीडियो देखने के बाद मुझे कॉल करना, बाय। खाकी के साथ दुश्मनी मोल कर भी अगर वो जिंदा रह पाए तो ये हमारी कमजोरी होगी। कानूनी रास्ता अपनाओगे तो बहुत देर हो जाएगी। किसी को मत छोड़ना शिवो। शिव कुमार जी, आज हमारी याद कैसे आ गई? आप जो बाहर से दिखते हैं वैसे अंदर से नहीं है। ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं एक पुलिस वाला हूँ, मुझे पता है आप खुश नहीं है। आपकी राजनीति का कीचड़ मेरे यूनिफॉर्म पर लगा है, मुझे बहुत गंदा लग रहा है। जहां पर इज्जत नहीं मिलती वहां पर कभी अपनी चप्पल भी नहीं छोड़नी चाहिए। मर्जी के खिलाफ सैल्यूट करने से अच्छा है कि प्यार से नमस्कार किया जाए। मैं चलता हूं सर। शिव कुमार बैठिए, आप जो करना चाहें कीजिए। आप जिस रास्ते पर जाएंगे सिग्नल क्लियर रहेगा, पॉलिटिक्स का कोई भी प्रेशर आपके ऊपर नहीं होगा। आप बस अपना काम कीजिए। सर, डॉली यहां नहीं है सर, उसका आदमी भी यहां नहीं है। ठीक से चेक करना यार। हेलो पंचमी दीदी, यहां पर पंचमी नहीं है। बोलिए क्या बात है? सर, हम गोवा के एक बार में और पुलिस ने उनकी बहन को अरेस्ट कर लिया है। ये बात प्लीज पंचमी दीदी को बता दीजिए सर। ठीक है, मैं बता देता हूँ। गोवा डीसीपी डिसूजा को फोन कर। Oh.
की आवाज सुनकर जो लोग भाग जाते उनके साथ रहता है तू। जरा एक बार गौर से देख, तू मेरे हाथ में तलवार है। ए, ये गन है बे। बस इतना ही, 2 सेकंड में तुझे भी शूट कर सकता हूं, लेकिन तेरी मौत का क्रेडिट इस गन को नहीं देना चाहता मैं। तुझे मौत से मिलवाना है, लेकिन उसके पहले उसके साथ आंख में चोली भी करवानी है, ताकि तुझे पता चले कि मौत आखिर होती क्या है। कहीं जा रहा है वो? ए, कहां जा रहा है? माँ, क्रिकेट मैच है। माँ ऊपर आकर पूजा में बैठ। माँ अभी नहीं, माँ मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो अच्छा, रहा है। संभल कर जाना। पापा मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, मैं वहीं खाना खा लूंगी, मुझे आने में 10:30 हो जाएंगे। संभल के जाओ, जल्दी आ जाना। ठीक है पापा। दीदी की साड़ी पहनी है मैंने, अच्छी लग रही है ना? कभी तो मुझे कॉम्प्लीमेंट दे दिया करो, वैसे यूनिफॉर्म में काफी अच्छे लग रहे हो। एक सेल्फी ले लेती हूँ। चलो मंदिर चलते हैं, चलो ना। ठीक है, मैं अकेली जा रही हूँ, बाय। सुनो वसुंधरा, होशियारी से संभल कर जाना, संभल कर जाना। अपने बच्चों से बोलते हैं सर, आप लोग के होते हुए ये सब क्या हो गया सर? क्या इस समाज में हमें मंदिर और पूजा के लिए भी संभल कर जाना होगा?